हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आशियास कुक बुक। आज हम बनाने वाले लेयर चिकन पराठा। यस गाइस, इसका असली नाम है चट्टी पत्री, विच इज अ साउथ इंडियन डिश। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, पास का बेल आइकन प्रेस करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करें। दोस्तों, हमारा तेल गर्म हो चुका है हम स्टफिंग बनाने के लिए। अब इसमें सबसे पहले डालेंगे कड़ी पत्ता। हमारा गैस का फ्लेम लो टू मीडियम में रखा है और अब हम इसमें डालेंगे 3 फाइनली चॉप्ड प्याज। अब हम इसे सौते कर लेंगे। दोस्तों, अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। हम इसे जिंजर गार्लिक पेस्ट के रॉ स्मेल जाने तक सौते कर लेंगे। दोस्तों, अब हम इसमें डालेंगे 1 फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिली। ग्रीन चिली की मात्रा आप अपने ऊपर डिपेंड करती है, आपको तीखा ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा डालें। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे ताकि हमारा ऑनियन जल्दी सौते हो जाए। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूँ है: 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से चला लेंगे। दोस्तों, जब आपके प्याज थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो जाए, अच्छे से सौते हो जाए, तब आप इसमें मसाले डालेगा। अब हम इसमें डालेंगे रेड चिकन। दोस्तों, ये चिकन मैंने बॉईल किया था, थोड़ा सा नमक और पेपर पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, मिर्ची और सिनेमन मतलब तज, उस सबको मैंने कुकर में, प्रेशर कुकर में डाल के बॉईल कर लिया था। टोटल मैंने 2 सीटी मारी थी और ठंडा होने के बाद मैंने उसे श्रेड कर लिया था। अब वही मैं इसमें डाल के इसको अच्छे से मिला दूंगी। 1.5 कप चिकन डालने के बाद इसे अच्छे से सौते कर दें। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी धनिया पत्ते और इसे अच्छे से मिला देंगे और गैस का फ्लेम बंद करते। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। दोस्तों, इस डिश के लिए हमें जो शीट्स बनानी है, उसके लिए मैंने एक बोल में 1 कप मैदा ले लिया है। मैंने 1/4 टीस्पून सॉल्ट ले लिया है। दोस्तों, इसका डिटेल वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर दे देती हूँ, आप वो भी देख लीजिएगा। पहले मैं सॉल्ट और मैदे को अच्छे से मिक्स कर दूँगी और फिर मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून ऑयल और फिर मैं इसे भी अच्छे से मिक्स कर इसे नीम गर्म पानी मतलब लूक वार्म वाटर से इसका डो गूंद दूँगी। दोस्तों, ये हमारा डो बन के तैयार है। हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर देंगे और इसे ढककर 15 मिनट तक रख देंगे। दोस्तों, इसे 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे बेलेंगे। दोस्तों, हमने 2 छोटे लुए निकाल दिए हैं, अब हम इसे पूरी के साइज़ में बेलेंगे और बाकी के जो लुए मैंने बनाए थे वो मैंने ढक के रख दिए हैं। इस तरीके से आपको 2 सेम साइज़ की पूरियाँ बेलनी है। दोस्तों, इसका मैं लिंक जो है डिटेल वीडियो का, मैं आपको आई लिंक में भी दूंगी और एंड स्क्रीन पर दे दूंगी, तो आप दोनों देख लीजिएगा। अब हम उसमें से 1 पूरी पर अच्छे से ऑयल ब्रश कर देंगे। ये ऑयल अच्छे से ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अब हम इसमें थोड़ा सा मैदा इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे, इसे भी अच्छे से स्प्रिंकल करिएगा। अब हमने जो दूसरी पूरी बनाई थी वो भी हम इस पर डाल देंगे और हम फिर इसे बेल। तो इस तरीके से मैंने इसे बेल दिया है। अब आप जिस बर्तन में बनाने वाले हो उसी साइज़ का हमने ये बेला है, तो वो आप चेक कर लीजिएगा कि साइज़ आपकी प्रॉपर है कि नहीं। दोस्तों, हमने तवे को अच्छे से गर्म कर दिया था, अब मैं और फिर मैंने इस पर मेरी शीट रख दी है। हम इसे लो फ्लेम पे पक, थोड़े थोड़े वाइट डॉट्स इस तरीके से आएंगे, तब हम इसे पलट देंगे। अब थोड़े डॉट्स आने पर मैं इसे पलट दूंगी। हमें सिर्फ वाइट डॉट्स स्पॉट्स चाहिए, पका लेंगे, सेक लेंगे। दोस्तों, जब ये आपका अच्छे से हो रहा होगा तब इस तरीके से साइड निकलने लगेंगे, तब आपको समझ लेना है कि आपकी शीट्स हो चुकी है। इसे हम एक कपड़े के ऊपर, ऐसे डिश पे कपड़ा रख देंगे और उसके ऊपर हम निकालेंगे। जिस तरफ से हमारा ये अलग होना शुरू हुआ था उसी तरफ से हम गरम गरम में ही इसे अलग करेंगे। देखिए कितनी आसानी से अच्छे से निकल रहा है, वाव। ये देखिए इसकी ट्रांसपेरेंसी कैसी है, एकदम सुपर फाइन शीट्स हमारी तैयार है। और हम सारी शीट्स को हम इस तरीके से रखेंगे और ढक देंगे, इस तरीके से बाकी भी शीट्स हम तैयार कर लेंगे। हमने एक मिक्सर ग्राइंडर में 4 अंडे ले लिए हैं, उसमें मैंने 1/4 टीस्पून पेपर पाउडर डाला है और स्वाद अनुसार नमक डाला है। इसमें मैं 1/4 कप दूध डालूंगी।
ये बॉइल्ड दूध है जिसे मैंने ठंडा कर दिया था और मैं इसे मिक्सर ग्राइंडर में फेंट लूंगी। दोस्तों मैंने ये बर्तन लिया है जिसमें मैंने अच्छे से इसे घी से ग्रीस कर दिया है बहुत ही अच्छे से। अब मैं इसकी फाइनल असेंबलिंग करूंगी। ये रहा हमारा अंडे का जो मिक्सर था उसमें मैं ये जो शीट्स थी हमारी वो मैं इस तरीके से डुबो दूंगी। अच्छे से डुबोना है अंडे से, अच्छे से मैं इसे कोट करूंगी। फिर इस तरीके से इसे थोड़ा सा से रखकर इसे मैं इसके बेस में अच्छे से इस तरीके से फैला के रखूंगी। ये देखिए मैंने किस तरीके से रखा है। इस तरीके से रखकर हमने जो फिलिंग बनाई थी वो इस तरीके से अच्छे से हम स्प्रेड कर देंगे। अब इसी तरीके से ये अच्छे से मैंने लगा दिया। अब मैं दूसरा लेयर भी डिप करूंगी। इस तरीके से मैंने ले लिया इसे और फिर मैं इसे इस बर्तन में अच्छे से रख दूंगी। अब देख सकते हैं कितने अच्छे से मैंने लगाया है। वापस से मैं फिलिंग लगा दूंगी और इसी तरीके से मैं सारे लेयर्स रख दूंगी। मैंने इस तरीके से चार लेयर रख दिए। अब मैं ये पांचवा लेयर भी मैं इसमें डाल दूंगी। ये देखिए मैंने अच्छे से इसे रख दिया है। मैंने टोटल पांच लेयर रेडी कर लिए। अब मैंने अंडे का जो मिक्सर बाकी था उसमें धनिया पत्ता काट के डाल दिया है। वो धनिया पत्ता का अब ये मिक्सर जो है वो हम इसमें पोर कर देंगे ताकि जो गैप्स होंगे वो साइड में फिल हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से साइड में हम डालेंगे और बाकी के लिक्विड को इस तरीके से पूरे इस पे उलट देंगे। अब हम इसे ढक्कन लगा के लो फ्लेम पर 3 मिनट के लिए रखेंगे। दोस्तों इसे पकते हुए 20 से 25 मिनट हो चुका है। ये एक साइड से पक चुका है। अभी हमें दूसरे साइड से पकाने से पहले इसे साइड से ऐसे निकालेंगे। दोस्तों इस तरीके से मैंने दूसरे पैन पर इसे पलट दिया है और वाओ ये देखिए कितना अच्छे से हो गया है। दोस्तों मैंने तवे पे अच्छे से घी ग्रीस कर दिया था। अब हम लो फ्लेम पे इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। दोस्तों इसे मैंने 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पका लिया है। अब ये रेडी हो चुका है। अब हम इसे प्लेट कर लेंगे। चटनी पत्री रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको इसे कट करके और टेस्ट करके बताती हूँ। तो आप इसके लेयर्स देख सकते हैं कितने अच्छे से आए हैं, ऊपर से क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट। अब मैं आपको इसे टेस्ट करके बताती हूँ। एकदम परफेक्ट इसका फ्लेवर है। स्पाइस भी एकदम करेक्ट है। चिकन का पीसेस जो मुंह में आता है, करी पत्ता का फ्लेवर, आई लव दिस, दिस इज यम, एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर मी। आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का आइकन प्रेस करें। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।